हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं आज आप लोगों के लिए बिहार जीविका का एक न्यू अपडेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे कि वैकेंसी 2019 में निकाला गया था और आप लोग को कुछ स्टूडेंटों का फाइनल होते हुए कुछ वेट लिस्ट का बच गया था, तो उसी वेट लिस्ट का चर्चा करने वाला हूं जो नया अपडेट आया है। तो मैं आप लोगों को BRLPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया हूं और ऑफिशियल वेबसाइट पे से आप लोग को करना क्या है, लास्ट में आपको करियर पे जाना है। जैसे कि देखिए, मैं अभी करियर पे पहुंच चुका हूं और करियर पे जाने के बाद आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास BRLPS और करियर आएगा। करियर में आप लोगों को प्लस आइकन पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, क्लिक ध्यान से आप लोग देख लीजिए, व्यू मोर जॉब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग व्यू मोर जॉब पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नया विंडोज ओपन होगा और विंडोज नया ओपन होने के बाद आप लोग प्रोसेस क्या कीजिएगा यह भी देख लीजिए। यह आप लोग पहुँच चुके हैं जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर करना क्या है, ये सारा प्रक्रिया को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है अनाउंसमेंट में। जैसे ही आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी लिखा है वर्ष 2019 के अनाउंसमेंट भर्ती प्रक्रिया का लमसम यहाँ पे 9 प्रक्रिया दिया गया था। 9 प्रक्रिया में सारा कुछ आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए दिया गया है। 20 जुलाई 2022 का यह अपडेट है, जो कि आप लोगों को इस अपडेट का काफ़ी बहुत इंतज़ार था दोस्तों। लमसम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अनुमान से बता रहा था पहले कि लमसम में 1.5+ जाएगा आपको CC का वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट का और लमसम 100 आपको AC का, वैसा ही अनुमान आप लोगों के लिए सच निकल के आ रहा है। और मैं यह PDF डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि यह PDF सही मायने में सच है और ये बिहार सरकार के जीविका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। यह अनाउंसमेंट जानकारी कार्यालय सहायता पद संख्या इतना पे, लेखापाल पद हेतु इतना पे, आप लोग को क्षेत्रीय संवेयक इतना पे, आप लोग को सारा जानकारी यहाँ पे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है योग्य चयनित उम्मीदवार यदि दस्तावेज सत्यापन की तिथि तारीख तक आप लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो उसको रद्द माना जाएगा, उसका काउंसिलिंग नहीं होगा, उसको जॉब पे से हटाया जाएगा। लेकिन बाकी जो वेट लिस्ट से स्टूडेंटों को जो उठाया गया है, जिस स्टूडेंटों का वेट लिस्ट में रिजल्ट आया है, वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप लोग जानते हैं काफ़ी बेहतरीन है, चौंका देने वाली न्यूज है और चौंका देने वाली अपडेट हैं। और यह 20 जुलाई का अपडेट है, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कैंडिडेट फ्रॉम वेट लिस्ट ऑफ ईयर 2019 में जो आप लोग जो वेट लिस्ट मेरिट लिस्ट में इंतज़ार कर रहे थे उसी स्टूडेंट के यहाँ पे है। जीविका में जो भी 36 प्रकार का वैकेंसी बहाली निकाला गया था सभी में से यहाँ पे वेट लिस्ट दिया गया है, जो कि कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंटों को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, जो कि आप जानते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में भी काफ़ी है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में भी आप लोग को अच्छा खासा 28 स्टूडेंट का किया गया है, एरिया कोऑर्डिनेटर में भी आप लोग को अच्छा खासा किया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कम से कम आपको 76 स्टूडेंटों का यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर में दिया गया है, जो कि मैं 100 का अनुमान लगा रहा था। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में मैं 150+ का अनुमान लगाया, जिसमें आपको 120 स्टूडेंटों का यहाँ पे नाम शॉर्टलिस्ट में निकल के आ रहा है। उस स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है दोस्तों आपके लिए, जो कि आपके परिवार को भी काफ़ी खुशी होगा। अगर आप एक छोटे भाई को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अपडेट और हमेशा जानकारी लेके आऊँगा, ताकि आपको कोई भी संदेह न हो और इस वीडियो को देखते हुए अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि मैं आपके लिए सदा न्यू से न्यू अपडेट